दोस्तों आजकल ये जोड़ी बहुत ज्यादा चर्चे में है। सोशल मीडिया पर इस कपल के वायरल होने की वजह इन दोनों के बीच का बड़ा एज गैप है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस लड़की ने इतनी ज्यादा उम्र के आदमी से शादी क्यों की है। तो कहीं इन्हें ट्रोल भी किया जाता है और कहा जाता है कि लोग व्यूज पाने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपने भी इस वीडियो को जरूर देखा होगा, क्योंकि ये बाप बेटी जैसी दिखने वाली जोड़ी इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। अगर आप इनकी जोड़ी के पीछे का सच जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, ये दोनों शादीशुदा हैं तो आखिर किस मजबूरी में आकर इस लड़की को इस आदमी से शादी करनी पड़ी, तो दोस्तों इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम इन दोनों की पूरी कहानी और इनकी सच्चाई जानने वाले हैं। दोस्तों ये लड़की एक यूट्यूबर है, इनका अपना यूट्यूब चैनल है जिस पर ये अपने व्लॉग्स बनाकर ऑडियंस के साथ शेयर करती हैं। इनके यूट्यूब चैनल का नाम गाँव की शांति है जिस पर इनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। अपने यूट्यूब वीडियो से ही शांति हर जगह मशहूर हो गई है और आज हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है। दोस्तों इनकी जिंदगी की असल कहानी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है और आपको बता दें शांति जोश टॉक के मंच पर भी नजर आ चुकी है। अपनी कहानी को शेयर करने के लिए शांति को जोश टॉक के मंच पर इनवाइट किया गया था और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे इनकी लाइफ स्टोरी क्या है। दोस्तों यूट्यूब पर साथ में नजर आने वाली ये जोड़ी पति पत्नी की है। जी हाँ, इसमें शांति जिसके साथ वीडियो में नजर आती है वो इनके पिता नहीं बल्कि पति ही है। इनकी शादी इनकी उम्र से कई बड़े इंसान से हुई है। शांति उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक गाँव में रहने वाली है। ज्यादातर लोग इनकी जोड़ी को देख कर इन्हें ट्रोल कर देते हैं, लेकिन लोगों ने अगर इनकी असली कहानी सुन ली तो वो हैरान रह जाएंगे। शांति का पूरा नाम शांति तिवारी है। आज ये बहुत ज्यादा सक्सेस और फेमस है। इसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत और हिम्मत है। दोस्तों शांति जब सिर्फ 6.5 साल की थी तब इनकी माँ गुजर गई थी। इनके परिवार में इनके पिता और इनकी दो बहनें और हैं। इनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहाँ के लोगों की सोच आज भी पिछड़ी हुई है। इनके गांव के लोग लड़की को बोझ मानते हैं और इनके परिवार में लगातार 3 लड़कियों ने जन्म लिया था। इनकी दोनों बहनें इनसे छोटी हैं। जब इनकी माँ गुजर गई तो इनके परिवार में एक ऐसा कोई भी नहीं था जो इनकी और इनकी तीनों बहनों की जिम्मेदारी उठा सके, इसलिए इनकी बाकी बहनें रिश्तेदारों में किसी दूसरे के घर में अलग अलग जाकर रहने लगी। मगर शांति अपने पिता के साथ उनके ही घर में रहती थी। इनके पिता काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो इनकी जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते थे। वो हमेशा शांति को घर के अंदर ही रखते थे, जहाँ शांति का काम सिर्फ खाना बनाना और घर के दूसरे काम करना था। शांति पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन इनके पिता ने बहुत कम उम्र में इनकी शादी करा दी थी। और दोस्तों इनके पिता ने इस शख्स से शांति की शादी कराई थी जो की उम्र में इनसे कई गुना बड़ा था, और इसके पीछे की वजह ये थी की यहाँ इन्हें दहेज देना नहीं पड़ा। शांति की शादी में दहेज न देना पड़े इसलिए ही इनके पिता ने कम उम्र में ही इनकी शादी इस शख्स से करा दी थी। दोस्तों इन्होंने बताया था कि अपनी टीनेज एज में ही ये भी बाकी लड़कियों की तरह एक राजकुमार के सपने देखा करती थी, जैसे इनकी जिंदगी में भी कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा और इनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मगर जब इनकी शादी इनसे बड़ी उम्र के आदमी से करा दी गई तो ये पूरी तरह से टूट चुकी थी। इनके सारे सपने चूर चूर हो गए थे और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करें, लेकिन इन्होंने खुद को समझाया और इस शादी को निभाने का फैसला किया। शादी के 2 साल बाद इन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। जिस वक्त ये माँ बनी उस वक्त ये खुद ही बच्ची थी। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब ये प्रेग्नेंट थी तो इन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है, और जब इन्होंने देखा कि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है तो ये दुखी हो गई थी। जी हाँ, ये काफी निराश हो गई, मगर ये जानकर नहीं कि इनकी बेटी हुई है, बल्कि ये इसलिए निराश हो गई क्योंकि वो सोचने लगी कि कहीं इनकी बेटी की जिंदगी भी उन्हीं की तरह ना हो जाए। इनके ऊपर इनकी बहनों के साथ अब उनकी बेटी की भी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटी के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सोचा। शांति गरीब परिवार से थी जहाँ उनके रिश्तेदार भी उनकी मदद नहीं करते थे। फिर इन्होंने सिलाई सीखी और ये सिलाई सीख कर काम करने लगी, और उससे भी जो कुछ कमाई होती थी वो घर में और अपनी बच्ची की परवरिश में खर्च करती थी। सिलाई के काम में शांति बहुत ज्यादा खुश थी और उन्हें लग रहा था कि वो अगर ऐसा ही मेहनत करती रहेंगी तो जल्द ही उनकी जिंदगी में भी अच्छे दिन आएंगे जहाँ वो अपनी बहनों और अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दे पाएंगी और उन्हें पढ़ा पाएंगी। मगर दोस्तों इनकी जिंदगी की कहानी में कुछ और ही लिखा था और एक बार फिर इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दरअसल गाँव के लोगों ने इनके पति को इनके बारे में तरह तरह की बातें सुना दी थी। गाँव में इनके काम करने से सब इनके बारे में बातें बनाने लगे और इनके पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हाथों से निकल चुकी है और अपनी मनमानी करती है। इनके पति को जब ये खबर लगी कि गांव वाले ऐसी बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी उन पर भरोसा करके शांति का सिलाई का काम रुकवा दिया और यहाँ तक कि उनकी सिलाई मशीन को भी फेंक दिया। वो दिन शांति की जिंदगी में किसी सदमे से कम नहीं था और एक बार फिर शांति बिखर गई और उन्हें अपनी जिंदगी में कोई और दूसरी उम्मीद नजर नहीं आई। यहाँ तक कि अब शांति के मन में अपनी जिंदगी को खत्म करने के विचार भी आने लगे थे, लेकिन जब वो अपनी बेटी को देखती तो उन्हें अपनी जिंदगी को खत्म का इरादा भी त्यागना पड़ा और वो खुद को समझाती थी कि उन्हें अपनी लड़की के लिए जीना पड़ेगा। फिर एक दिन उनकी बहनों ने बताया कि वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर भी पैसे कमा सकती हैं। यूट्यूब भी जरिया है जहां अपनी काबिलियत दिखाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक मौका दिया जा सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पर ही आने का फैसला लिया, मगर ये भी एक चुनौती भरा काम था क्योंकि शांति उस गांव की रहने वाली थी जहां महिलाएं घर से बाहर कदम नहीं रखती थी और बिना घूंघट के भी नहीं रहती थी। ऐसे में उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का फैसला लिया और उन्होंने शुरुआत की। शांति अपने गाँव से जुड़ी बातें, गाँव के कल्चर और जगहों पर व्लॉग बनाने लगी। और आपको बता दें कि उनके पास तब सिर्फ एक ही फोन हुआ करता था जिसे इनके पति भी इस्तेमाल करते थे और उसी से ही वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड भी करने लगी। धीरे धीरे लोग
लोगों को इनकी वीडियोस पसंद आने लगी और ये फेमस होती गईं। लॉकडाउन के वक्त भी इन्होंने वीडियोस बनाना नहीं छोड़ा और तभी इनकी कई वीडियोस वायरल होने लगी और जब रील्स बनाने का समय आया तब ये और भी फेमस हो गईं। जब लोगों ने देखा कि इनकी शादी इनसे उम्र में बड़े आदमी से हुई तब लोग इनकी कहानी में इंटरेस्ट लेने लगे और वो इनके बारे में और जानना चाहते थे, जिसके बाद इन्होंने यूट्यूब पर ही अपनी कहानी भी सभी के साथ शेयर की। यूट्यूब इनके लिए वो मंच बन गया था जहाँ ये अपनी बात खुलकर कह सकती थी। जहाँ एक वक्त में गाँव की महिलाओं को घूंघट में रखा जाता था, वहीं से यूट्यूब पर फेमस हो गई थी और बहुत से लोग इन्हें जान गए थे। मगर ये सफर इनका कितना मुश्किल था ये बात भी सिर्फ शांति ही जानती है। शांति ने एक बार बताया कि जब वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाने लगी थी तो रिश्तेदारों ने बात करना भी बंद कर दिया था और सभी लोग उनके काम को फिजूल का काम बताते थे, लेकिन इन सबकी परवाह न करते हुए वो आगे बढ़ती गई और आज वो इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है कि वो अपनी बहनों और अपनी बेटी की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रही है। इनकी दोनों बहनें पढ़ाई कर रही हैं और इन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन भी जिले के सबसे अच्छे स्कूल में कराया है। ये आज इतनी तरक्की कर चुकी है कि पूरा गाँव भी इनकी तरक्की को देख कर हैरान रह जाता है। यूट्यूब से होने वाली अर्निंग से इन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है और इनकी इस इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनकर जोश टॉक ने भी इन्हें इनवाइट किया, जहां इन्होंने अपनी कहानी इस मंच पर शेयर करके बहुत सी महिलाओं को इंस्पायर किया है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि किसी के बारे में जाने बिना उन्हें जज नहीं करना चाहिए। जिस तरह लोग इनकी जोड़ी को ट्रोल करते हैं वो ठीक नहीं, और वही लोग इनकी कहानी जानने के बाद इनके जज्बे को भी सलाम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी गाँव की शांति और इनके अनोखे जोड़े की लाइफ स्टोरी। अगर आपको भी शांति की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इनके बारे में पहले सुना था या नहीं।